गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद पुष्पा मैथमेटिक्स, जिसमें आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। पहले कंपाउंड इंटरेस्ट को डिटेल मींस इसके बेसिक फार्मूलाज को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। बट उसके बाद हम एग्जाम में कैसे सॉल्व करने हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन, वो ट्रिक्स सॉल्व करेंगे। इससे पहले कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है। कंपाउंड इंटरेस्ट से अगर हम किसी को पैसा उधार देते हैं या किसी से पैसा उधार लेते हैं, ठीक है, या फिर सिंपल इंटरेस्ट के रेट पे हम किसी से पैसा उधार लेते हैं या देते हैं, दोनों में डिफरेंस, ब्याज में कितना डिफरेंस आता है वो समझेंगे। भी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों अलग अलग क्यों सॉल्व किए जाते हैं, अलग अलग फार्मूला से क्यों सॉल्व किए जाते हैं। तो देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। इससे पहले कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस करें, दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बेसिक फार्मूला है उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। कंपाउंड इंटरेस्ट भी सिंपल इंटरेस्ट की तरह तीन कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करता है। प्रिंसिपल, फर्स्ट इज प्रिंसिपल, जिसको हिंदी में मूलधन भी कहते हैं। प्रिंसिपल को हम पी से डिनोट करते हैं, फर्स्ट इज प्रिंसिपल। सेकंड इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। थर्ड इज टाइम, टी इज टाइम। तो कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक फार्मूला तो आपको पता ही था, हमने पिछले दो लेक्चर्स में, पिछले दो वीडियोस में सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला किया था, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। इसी तरह से हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्ट में हम CIV बोलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका फार्मूला होता है पी इंटू 1 ब्रैकेट आर अपॉन 100 रेज टू पावर टी माइनस पी। तो अब हम देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। इधर हम इस साइड सिंपल इंटरेस्ट सॉल्व करेंगे, इधर कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करेंगे। दोनों पहले सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाएगा भी कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। पी इज इक्वल टू अपा 1000 ले लेते हैं और टी इज इक्वल टू 2 ईयर, कुछ भी ले सकते हैं हम, और आर ले लिया हमने 10%। ओके, तो इधर भी सेम वही लेंगे, पी इज इक्वल टू 1000, टी इज इक्वल टू 2 ईयर, R इज इक्वल टू 10%। तो हम फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का कैसे निकलेगा, P इंटू टी इंटू आर मीन्स 1000 इंटू 10 अपॉन इंटू 1 ईयर का निकाल रहे हैं ना, इसलिए 1 लगाएंगे यहाँ पे। नीचे क्या है 100, तो ये कट हो गया, तो कितना आ गया मल्टीप्लाई करके 100। देन सेकेंड ईयर का निकालते हैं कितना आएगा, वही 1 साल का हमने निकाल लिया था, तो अगले साल का भी वैसे ही निकलेगा ना, क्योंकि टाइम 1 ईयर का तो हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया था। अब हम सेकंड ईयर का निकाल लेंगे तो होएगा तो 1 ईयर ही, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई डिवाइड किया 100 से, तो टोटल 2 ईयर का जो है, 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, फर्स्ट ईयर में 100, सेकेंड ईयर में भी 100, तो कितना हो गया 200 रुपीज। इसी तरह हम कंपाउंड इंटरेस्ट में सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पी इंटू वही फार्मूला, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, क्योंकि 1 ईयर का निकालेंगे तो ऐसे ही सिंपल ही निकाल सकते हैं। पी कितना हो गया यहाँ पे 1000 इंटू आर 10 इंटू 1 अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 100 रुपीज। तो नेक्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर का हमने यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया। फर्स्ट ईयर का जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो सेम वैसे ही निकालते हैं जैसे सिंपल इंटरेस्ट में निकालते हैं। तो यहाँ पे जब हम सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, जब दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, तो क्या होता है कि पहले साल में जो हमें ब्याज प्राप्त होता है उसमें मूलधन में जमा हो जाता है, ठीक है, मीन्स पहले टोटल जितना हम रकम किसी से लेते हैं वो रकम प्लस 1 साल का जो ब्याज है उसको दोनों को ऐड करके जो नया मूलधन बनेगा, ठीक है,
एक साल का जो हमने रकम दी और एक साल का जो ब्याज है, दोनों को ऐड करके जो नया मूलधन बनेगा मीन्स प्रिंसिपल कितना बन जाएगा, 1000 प्लस 100 कितना हो गया, 11। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता, सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ मूलधन के ऊपर ही ब्याज लगता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रत्येक वर्ष जो मूलधन है इंक्रीज होता जाता है। एक साल का जो ब्याज है वो सॉरी प्रिंसिपल में मीन्स मूलधन में ऐड होता है, तो नेक्स्ट ईयर पे उसमें ब्याज लगता है, ठीक है। मीन्स प्रत्येक वर्ष अगले साल का जो है मूलधन प्रिंसिपल इंक्रीज होता जाता है, उसमें इंटरेस्ट ऐड होता जाता है। देखो यहाँ पे हमने क्या करा कि हमारा जो प्रिंसिपल था 1000 था और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना आया, 100 रुपीज, तो दोनों को ऐड करके नेक्स्ट ईयर का क्या बन गया हमारा, प्रिंसिपल। मीन्स नेक्स्ट ईयर जो है हमारा ब्याज किस पे लगेगा, 1100 पे लगेगा, मीन्स 1100। तो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 11 × 1 ईयर का वैसे निकाल सकते हैं जैसे सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि 1 ईयर का तो हमने यहाँ पे निकाल लिया, सेकंड ईयर का निकाल रहे हैं, बट सेकंड ईयर में मूलधन बढ़ जाएगा क्योंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। प्रत्येक वर्ष जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें मूलधन इंक्रीज होता जाता है। तो ये 0 से 0 कट गई, इसको 11 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 110 रुपीज। तो दोनों वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया टोटल, पहले साल में कितना आया था 100, तो दूसरे साल में कितना आया, 110 रुपीज। तो दोनों को ऐड करके कितना हो गया, 100 और 110 को ऐड किया तो कितना हो गया, 210 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे हमारा जब हमने सिंपल इंटरेस्ट से निकाला था, एक बार दोबारा देख लो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। सिंपल इंटरेस्ट में मूलधन हमेशा वही रहता है, प्रत्येक वर्ष उसी मूलधन पे ही ब्याज लगता है, ठीक है। मीन्स जो है मूलधन इंक्रीज नहीं होता, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में जो ब्याज है प्रत्येक वर्ष मूलधन इंक्रीज होता जाता है, ब्याज भी मूलधन में अगले साल ऐड हो जाता है। मीन्स अगले साल मूलधन जो है हमारा इंक्रीज हो जाता है, फर्स्ट ईयर का जो ब्याज है वो सेकंड ईयर के मूलधन में ऐड होता है, फिर हम इंटरेस्ट निकालते हैं। इस तरह जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो सिंपल इंटरेस्ट से हमेशा ज्यादा होता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज ग्रेटर बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में से दोनों में से बड़ा कौन है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे देखो सिंपल इंटरेस्ट जो है हमारे पास कितना आया था, 100 रुपीज 200 सॉरी, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आया था हमारे पास, 210 रुपीज। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस अगर पूछा जाए तो कितना आ गया, 200 और 210 का डिफरेंस कितना हो गया, 10 रुपीज। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि दोनों का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 100 रुपीज। और बड़ा कौन सा होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से बड़ा होता है, ठीक। ये हमारा कंसेप्ट था कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा होता है। अगर वीडियो कंसेप्ट को आपको अच्छी तरह से समझना है तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिए, क्योंकि हम पहले डिटेल में करते हैं हमेशा, उसके बाद धीरे धीरे हम ट्रिक्स बताते हैं। अगर आपको डिटेल एक बार अंडरस्टैंड होगी आपको ट्रिक्स बड़ी जल्दी आ जाएंगी, ठीक है। कई बार हम एग्जाम में ट्रिक्स भूल जाते हैं तो डिटेल नहीं भूलती, और फटाफट आप क्वेश्चन टाइम बच जाता है तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट ट्रिक्स से क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। तो आज हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग विद रेशियो, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन फार्मूले से नहीं सॉल्व करेंगे, रेशियो से सॉल्व करेंगे। रेशियो को यूज करके कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कैलकुलेशन बहुत बड़ी होती है, इसलिए बच्चे घबरा जाते हैं। बट अगर आप शॉर्ट ट्रिक से या रेशो मेथड से कंपाउंड इंटरेस्ट करते हो तो बड़ी इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट विद रेशो। कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्ट में क्या कहते हैं, CI यूजिंग विद रेशो, रेशो यूज करके। तो इससे कुछ मैं आपको बेसिक रेशो के रेशो बता देती हूँ, भी कितने साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कितनी रेशो लेनी है, ठीक है।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे, अगर हम टू इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, टू ईयर का कंपाउंड फॉर टू इयर्स, अगर हम टू इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो कौन सी रेशियो लेंगे, टू रेशियो। एक बार आप स्टैंडर्ड रेशियो इनकी लिख लो, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे कि रेशियो को यूज करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर थ्री इयर्स का है इसको ये आपको लर्न रखनी पड़ेगी, ठीक है, थ्री रेशो वन। अगर फोर ईयर का है, ऐसे ऐसे आप बहुत सारी रेशोज होती हैं, ठीक है, यूज करके तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, फोर रेशो सिक्स रेशो फोर रेशो वन। फिलहाल हम ये तीन टू थ्री फोर ईयर्स की रेशो, मतलब अगर टू ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो ये वाली रेशो यूज करेंगे, थ्री ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो सेकेंड, थर्ड फोर ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो थर्ड रेशियो यूज करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बाय एग्जांपल, सॉल्व करके देखते हैं भी रेशियो कैसे यूज होती है, ठीक है। बाय एग्जांपल हम कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, रेशियो को यूज करके कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए लेट प्रिंसिपल, ठीक है, मीन्स जो मूलधन है, हिंदी में इसको प्रिंसिपल को मूलधन बोलते हैं, 1000 कुछ भी ले सकते हो, चलो हम थोड़ा डिफरेंस ले लेते हैं क्योंकि हमने डिफरेंस जब लिया था दो कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट जब हम सॉल्व किया था तब भी हमने 1000 लिया था, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, चलो यहाँ पे 2000 ले लेते हैं, 2000 रुपीज। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% टाइम टू ईयर, ठीक है। प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान से देखना, ठीक है, ये इस कंसेप्ट से आपको विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट लॉन्ग कैलकुलेशन, लॉन्ग कैलकुलेशन से क्या होता है मिस्टेक होने के चांस ज्यादा होते हैं, बट शॉर्ट ट्रिक से मिस्टेक होने के चांस कम होते हैं, और एक मिनट से भी कम टाइम में, 30 सेकंड से भी कम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आप देखो प्रिंसिपल क्या है 2000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5%, टाइम क्या है 2 ईयर, तो यूज करेंगे यहाँ पे रेशियो मेथड, कौन सी रेशियो यूज होगी टू ईयर्स के लिए, टू रेशियो वन यूज होगी। तो कैसे करना है इसको, देखो प्रिंसिपल कितना है 200, अब रेशियो को अप्लाई कैसे करना है, 200 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, इसका 5% निकालते हैं कितना आएगा, देखो जीरो से जीरो कट गई, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 100 रुपीज, ओके। अब जो यहाँ पे आ गया मीन्स प्रिंसिपल का 5% कितना आ गया 100 रुपीज, अब 100 रुपीज का नेक्स्ट 5% निकालेंगे तो कितना आ गया यहाँ पे 5 रुपीज। तो रेशो क्या ली थी हमने 2:1, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 200, और सेकंड को 1 से मल्टीप्लाई किया मींस 5 को 1 से किया तो कितना आ गया 5, तो यहाँ दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आ गया 205, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 205 रुपीज। देखो रेशो से विदाउट लॉन्ग कैलकुलेशन कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व हो गया। यहीं पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर अमाउंट पूछा हो तो कैसे करेंगे, अमाउंट का फार्मूला मैंने आपको बताया नहीं था, दोबारा लिख लो, अमाउंट क्या है सिंपल, बस प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 2000 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट 205, तो दोनों को ऐड कर दिया कितना आ गया 2205 रुपीज। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करना इसी से ही। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जैसे हमने वहां डायरेक्ट किया था यहाँ पे रेशो से करते हैं इसी को ही। 1000 ले लिया, यहाँ पे 10% ले लिया बाय यूजिंग द रेशो, सॉल्व द कंपाउंड इंटरेस्ट, देखो 2:1 क्योंकि 2 ईयर है, सबसे पहले टाइम देखना है, टाइम देखा 2 ईयर था तो यहाँ पे रेशो क्या आ गई 2:1 आ गई, तो क्या ऐसे क्या होएगा, अब देखिए इसका यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है
1000, इसका कितने लेना है 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10, तो 10%, ये कितना आ गया 100 रुपीज। आगे देखिए, फिर जो यहाँ पे आंसर आ गया इसका क्या करेंगे, आगे नेक्स्ट लेंगे 10%, तो यहाँ पे कितना आ गया इसको 1 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 का 10% कितना आ गया था 100 रुपीज आ गया था, फिर 100 रुपीज का आगे 10% लेंगे तो कितना आ गया 10 रुपीज। रेशो क्या ली थी हमने, 2:1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया यहाँ पे 200, और यहाँ पे कितना आ गया 10, तो दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 210 रुपीज। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास 210 रुपीज। नेक्स्ट करते हैं, और हमने 2 ईयर के लिए कंसेप्ट सॉल्व किया था, बाय रेशो से हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है 2 ईयर का। ठीक है, 2 को एग्जांपल हमने कर ली, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा 2 इयर्स का बाय रेशो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। अब हम 3 इयर्स के लिए निकालेंगे, सेम यही स्टेटमेंट लेते हैं, बट यहाँ पे हम टाइम कर देते हैं 3 इयर्स, टाइम कर देते हैं 3 इयर्स। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखिए रेशो, पहले रेशो लिखेंगे, रेशो क्या आएगी यहाँ पे 3:3:1, यहाँ पे ये वाली रेशो यूज होगी। तो कैसे करेंगे, प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे, वैसे ही जैसे 2 इयर्स के लिए निकाला था ना, वैसे ही प्रिंसिपल का 10% निकालेंगे, प्रिंसिपल का 10%, 1000 का 10% कितना होता है 100 रुपीज। ओके, तो नेक्स्ट जितना भी आंसर आ गया, जो भी आ गया हमारे पास, उसका फिर 10% निकाल देंगे। 3 ईयर का तो 3 टाइम करेंगे, ठीक है, अगर 4 ईयर का होगा तो 4 टाइम, 5 ईयर का होगा तो 5 टाइम करेंगे। तो यहाँ कितना आ गया 10 रुपीज। अब 1, 2, अब एक बार और करेंगे क्योंकि 3 इयर्स गिवन है ना यहाँ पे, तो ये कितना 10 का, अब 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 1 रुपीज, 10 का 10% इज 1 रुपीज। और नेक्स्ट वाइज स्टेप, पहला रेशो क्या है 3:3:1, पहले को पहले से मल्टीप्लाई, दूसरी रेशो को दूसरे से मल्टीप्लाई, और थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई, 3:3:1, 3:3:1, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ गया 331, तो इनको सबको ऐड कर देते हैं 331 आ गया। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ गया, देखो विदाउट लॉन्ग कैलकुलेशन एनी मिस्टेक यू हैव डन ओनली इन अ मैक्सिमम 30 सेकेंड। ठीक है, बहुत इजी है, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह के ही पूछे जाते हैं, मोस्टली यही स्टेटमेंट पूछी जाती है। ये हमने कर लिया 3 इयर्स का, 4 ईयर का आप खुद ट्राई करके बताना मेरे को, सेम ऐसे ही होएगा, उसमें 4 टाइम और रिपीट करेंगे, एक एग्जांपल कर ही देते हैं हम 4 इयर्स का। चलो यहाँ पे हम प्रिंसिपल ले लेते हैं, प्रिंसिपल कुछ भी ले लो आप, प्रिंसिपल ले सकते हैं 10। आगे हमने ले लिया प्रिंसिपल, कुछ ज्यादा बड़ा ले लिया, तो यहाँ पे 10,000 ले लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, कुछ भी ले सकते हो आप, 5%, 8%, 2%, ऐसे नहीं कि ये 10% पे ही निकलेगा, कुछ भी ले सकते हो, 2.5 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ट्राई करके देखना। टाइम कितना है 4 ईयर, क्योंकि हमने 2 ईयर का कर लिया, 3 ईयर का कर लिया, 4 ईयर का, मैक्सिमम 2 या 3 का ही पूछा जाता है, 4 भी कर लेते हैं ट्राई। ठीक है, 4, 5, तो यहाँ पे 4 ईयर तक हम करते हैं, 4 ईयर का कैसे निकलेगा, रेशो क्या आएगी 4:6:1, 4 ईयर की रेशो। सबसे पहले हमने टाइम देखना है, टाइम देखा 4 ईयर, तो रेशो लिख दी फटाफट, उसके बाद प्रिंसिपल का जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका परसेंटेज निकाल देना है। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 10,000 है, 10,000 का 10% निकाला तो क्या आ गया 1000। आगे देखते हैं 1000 का अब क्या निकालेंगे 10%, कितनी बार रिपीट करेंगे 4 टाइम,
क्योंकि अगर 2 years है तो 2 time, 3 year है 3 time, 4 time, 4 year तो 4 time, बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि एक वीडियो को देखते ही आपका ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपको रिपीट ना करना पड़े। फिर भी आप एक बार प्रैक्टिस दोबारा कर लेना, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। देन देखिए यहाँ आ गया कितना, 100, हर 100 का भी 10% निकालते हैं तो कितना आ गया 10। अब 10 का 10% निकालेंगे तो कितना आ गया 1। अब क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट स्टेप क्या था, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, और सेकंड को 6, थर्ड को 4, मीन्स फर्स्ट को फर्स्ट से, फिर सेकंड से, देन थर्ड, देन लास्ट आ गया। अब इनका मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, यहाँ पे 4000, यहाँ पे देखिए कितना आ गया 600, फिर कितना आ गया 41। इनको सबको ऐड कर दिया, 4, 6, 4, 1, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, टोटल कर दिया तो कितना आ गया 4641। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 4641। यहीं पे अगर अमाउंट पूछा होता तो कैसे होता, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला तो क्या करेंगे, उसके बाद अमाउंट निकालेंगे, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड कर दो, 10,000 प्लस 4641 तो कितना आ गया 14641। अगर इसको डिटेल मेथड से करते तो अभी तक ये सॉल्व नहीं होना था और मिस्टेक होने के चांस भी ज्यादा होते हैं। तो बाय रेशो मेथड से आप फटाफट ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्जाम दे लो, PCS, IAS कोई भी दे दो, RPF हो गया, CRPF, उसमें ये आता ही आता है। स्पेशली पंजाब में जैसे बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है, PSSS भी, दिल्ली DSS भी, तो ये सारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके 2-4 क्वेश्चन और करते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं ऑलरेडी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और हाँ, रेशो मेथड से एक और, जैसे कि जो रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर वो हाफ ईयरली लगता है तो रेशो मेथड को कैसे यूज करना है। लेट्स सपोज प्रिंसिपल ले लेते हैं हम, प्रिंसिपल मीन्स मूलधन हमारे पास 800 है। अगर मैं बार बार 1000 ले लूंगी तो बैंक आपको होगा कि भी मैम को ये ज्यादा अच्छा लगता है, तो यहाँ पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेंगे 10%। चलो कुछ और ले लो, चलो 10% नहीं लेना तो 20 ले लेते हैं। चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है, और टाइम कितना हो गया, यहाँ पे हम ले लेते हैं चलो 2 year, चलो फ्रैक्शन में ले लेते हैं, ये भी आपको पता लग जाएगा भी कैसे सॉल्व करना है। टाइम हम ले लेते हैं 3, 1, sorry 1, 1/2 ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, टाइम क्या है 1, 1/2 years, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। यहाँ पे जो इंटरेस्ट जो लग रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लग रहा है कंपाउंड, वो है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब, हाफ ईयरली मतलब साल, आधा साल हो जाता है तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट लग जाता है, मींस प्रिंसिपल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही होता है ना कि फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है उसको मूलधन में ऐड कर देते हैं सेकंड ईयर का इंटरेस्ट निकालने के लिए, उसी तरह हाफ ईयरली में भी ऐसे होता है। तो हाफ ईयरली कितने होते हैं, साल में 2 होते हैं, साल में कितने हाफ ईयरली होते हैं, 2 होते हैं। इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंसिपल हमारे पास कितना था 8000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 20 था। जब हाफ ईयरली लगता है ना ब्याज, तो क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को, हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बार, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा कर देते हैं, क्योंकि 2 बार है इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितना हो गया 10%। ओके, तो टाइम यहाँ पे हमारे पास कितना था 1, 1/2। इसको तोड़ो फ्रैक्शन को, मैंने आपको बताया हुआ है ये फ्रैक्शन तोड़ना, बेसिक मैंने कंसेप्ट डाले थे उसमें, ये बताया था मैंने फ्रैक्शन को कैसे तोड़ना है। 2 into 1 plus 1/2 कितना हो गया 3/2, तो यहाँ पे कितना आ गया 3/2 ईयर। ये क्या है, टाइम है, बट हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली लग रहा है,
हाफ ईयरली का मतलब है कि टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 3 ईयर। ठीक है, एक बार दोबारा से सुन लो। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हाफ ईयरली लगता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मींस साल में दो साल हो गए ना, दो बार लगा ना, साल में दो बार लगा, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड किया और टाइम को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वही फार्मूला बन गया जो पीछे हमने अभी अभी करा है, ना। देखो टाइम हमारे पास प्रिंसिपल भी आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आ गया और टाइम भी आ गया, तो रेशो क्या होगा यहाँ पे 3:3:1। इसको खुद ट्राई करना, ठीक है। अगर ना पता लगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मेरे से कॉन्टेक्ट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। देखो और खुद सॉल्व करके देखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और आता है क्वाड्रेटली, अगर मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वाड्रेटली लगता है मीन्स साल में 4 बार लगता है, क्वाड्रेटली मीन्स साल में 4 बार, वही प्रिंसिपल ले लेते हैं हम, 4000 ले लेते हैं, चेंज करते रहते हैं, ठीक है। एक ही पे फिर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हम ले लेते हैं 20% और टाइम ले लेते हैं, चलो इस बार 9 मंथ ले लेते हैं, 1 ईयर भी ले सकते हो, 2 ईयर भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल हमने ले लिया 4000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 है, टाइम क्या है 9 मंथ है, बट जो इंटरेस्ट है क्वार्टरली लग रहा है, मीन्स साल में 4 बार लग रहा है, ठीक है। साल में जब 4 बार इंटरेस्ट लगता है तो क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे जब हमने 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 5% आ गया, तो इसको 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया 36 मंथ आ गए। तो 36 मंथ को अब हम ईयर में चेंज करेंगे, 1 ईयर इज इक्वल टू सभी को पता है 12 मंथ, तो 36 मंथ, इसका मतलब 36 को 12 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 3 सिंपल, मीन्स 36 मंथ में कितने साल होएंगे, एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो 36 में कितने हो गए, 36 मंथ में कितने ईयर हो गए, 3 ईयर हो गए, कट कर दिया, 36 को 12 से कट कर दिया तो कितना आ गया 3 ईयर। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 5% आ गया, प्रिंसिपल कितना आ गया 4000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 5% और टाइम कितना आ गया 3, बस आगे तो आप कर ही लोगे, 3 ईयर आ गया। तो रेशो क्या आएगी 3:3:1। तो ये था आज का हमारा कंसेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का यूजिंग विद रेशो। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो कंपाउंड इंटरेस्ट के पर एक और वीडियो बनाएंगे, जिसमें कुछ और नई शॉर्ट ट्रिक्स मैं बताऊंगी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अगर इसी में वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं कराने लगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसी कंपाउंड इंटरेस्ट पे एक और वीडियो बनाऊंगी, तो उसको देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।